تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट में एक इंट्रो देखा है, तो इस इंट्रो का मैं टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसका साथ में मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने उसे यूज कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी जो इमेज है वो चेंज करनी है और जो फॉन्ट वगैरह है वो चेंज करना है। तो प्रैक्टिकल मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप ये काम अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है आपने उसके ऊपर सिंपल जाके क्लिक करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका लिंक है उसे आप लोगों ने आके जो है पेस्ट करना है अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर, या फिर आप लोग सिंपल ये कर सकते हैं कि सिंपल जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कंप्यूटर के ऊपर। मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आप लोगों ने सिंपल ये जो नीचे लिखा हुआ है ना यूज टेम्पलेट, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसके अंदर आपको ये पूरा टेम्पलेट एक नजर आएगा। तो अब आप लोगों ने जब इसे यूज करना है तो इसके अंदर काफी ज्यादा लोग गलती करेंगे, वो गलती क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जब आप लोग इमेज चेंज करने लगेंगे ना तो आपसे इमेज चेंज नहीं होगी, तो उसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पोजीशन के ऊपर आपने करना है क्लिक ऊपर। ठीक है, मोबाइल के अंदर भी आपको एक पोजीशन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने उसके ऊपर कर लेना है क्लिक। उसके बाद आपने जाना है लेयर्स में। लेयर्स में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर ये जो लेयर है ना ये ग्रुप हुई पड़ी है, आपने इसके ऊपर यहाँ पर इस जगह पर करना है क्लिक थ्री डॉट्स के ऊपर, और यहाँ से अनग्रुप कर देना इसे। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसे अनग्रुप करेंगे ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जो आपका ये वाला पार्ट है ना ऊपर वाला, इसे आपने इस तरह से पकड़ना है और स्क्रॉल करके इसे ले जाना आपने नीचे। तो जैसे ये ऊपर आ जाए, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर इसी तरह क्लिक रहने देना है और आपने चले जाना है अपने यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन में। यहाँ से आपने जो भी इमेज इसके अंदर ऐड करनी है वो आपने सिंपल यहाँ पर अपलोड फाइल के ऊपर करना है क्लिक, और जैसे ही आप लोग अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं कोई भी आप इमेज लें उसे कर लें ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो मोबाइल है उसके अंदर भी अपलोड का ऑप्शन होता है फाइल का, तो नीचे आ रहा होगा अपलोड फाइल का। अगर आप लोगों को इसमें समझ नहीं आएगी तो मैं मोबाइल पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों ने सिंपल उसे अपलोड कर लेना है। जैसे वो फाइल आपकी अपलोड हो जाए आपने सिंपल उसे पकड़कर इसके ऊपर ट्रैक करना है। तो मेरा जो है वो थोड़ा सा अपलोडिंग में इशू आ रहा है, आपने अपलोड कर लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे फर्ज करें मेरे पास कोई भी एक इमेज है। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक और बात बताऊं कि आप इसके अंदर यहाँ पर ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर मेरी इमेज लगी हुई है, यहाँ पर आप लोग कोई भी वीडियो भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, आपने कोई भी इमेज या वीडियो उसे पकड़ना है, इस तरह से लाकर इसके ऊपर आपने छोड़ना है। जैसे ही आप इसके ऊपर सर्कल के ऊपर छोड़ेंगे ना तो वो इसके अंदर फिट हो जाएगी। अब उसका साइज बड़ा छोटा करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें और अपने हिसाब से उसे बड़ा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, यहाँ से पकड़कर अपने हिसाब से इस तरह से बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ कैंसिल और कंट्रोल जेड से मैं जाता हूँ बैक। तो यहां तक हो गया आपकी इमेज का इशू, वो आपकी होगी रिजोल्व। उसके बाद आपने दोबारा से पोजीशन पर क्लिक करना है और इस वाली जो इमेज वाली लेयर है इसको आपने पकड़कर इसके पीछे रख देना है पहले वाले सर्कल के, जो आपका ये लाइट वाला सर्कल है ये ऊपर आ जाए आपकी इमेज के, जो कि खूबसूरत लगता है देखने में। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी चैनल नेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नीचे वाला है यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं कि किसी भी कारी का नाम जो जिसके नाम पर आपका चैनल है वो आप यहाँ पर ऐड करें, मतलब जिसके भी आप तिलावते ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर शेयर का बटन आपको मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के ऊपर जाना है क्लिक करना है, और यहाँ सिंपल डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये लाइन खत्म होगी तो ये फाइल आपके पीसी के अंदर डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये आज का छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को चैनल का एक इंट्रो बनाना सिखाया है, बल्कि एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया जिसके अंदर आप लोग सिंपल अपनी इमेज को इंपोर्ट करें और अपने टेक्स्ट वगैरह ऐड करें और आपका जो चैनल का इंट्रो है वो तैयार है। अब आप उसे यूज करें वो भी बगैर किसी कॉपीराइट इशू के। तो अगर इस तरह की मजीद वीडियोज आपको चाहिए या कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए आपको इस तरह के कॉन्टेंट की, तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।